भगवान जी को संजीवन बूटी लेने के लिए भेजते हैं। अभी आपने राम और मेरे अरे पैरों के हाल है सबके, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया शानदार और जबरदस्त होंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दशहरा। हम लोग यानी कि सिर्फ मैं, क्योंकि मेरे सारे दोस्त अलग अलग जगह पे गए हुए हैं और मैं यहाँ जा रहा हूँ अलग जगह पे। और गुड़गांव की स्पेशल मतलब एक तरह से सेफेस्ट दशहरा माना जाता है यहाँ पे। यहाँ पे जो रावण जलाया जाता है और यहाँ पे जो ऑडियंस आती है वो थोड़ी सी प्रीमियम ऑडियंस आती है ना, सेक्टर का ये जो दशहरा है वो मनाया जाएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग अपनी बाइक ठिकाने पे लगा के अब मैदान की तरफ एंट्री मारते हैं। चलिए तो भाई आज होने वाला है रावण दहन, और रावण के साथ साथ ये जो लेफ्ट में है ये है रावण का भाई कुंभकर्ण, और वो जो सामने है राइट में वो है रावण का लौंडा मेघनाथ, और बीच में है हमारा रावण। तो भाई आज रावण की लंका, लंका के साथ साथ रावण की वाट लगने वाली है भाई, बने रहो। वैसे रावण का जो भाई है वो बड़ी दूर खड़ा कर रखा बेचारा, फ्रेम में भी ना आ रहा। बाकी भाई मौज होने वाली है, कति मौज बांध देंगे भाई साहब, कति ब्लॉग में ऐसे बने रहो चीज आ जाएंगे काचे। ये हो रहा है भाई थोड़ा बहुत सम्मान वम्मान जो स्टेज पे लोग आते हैं भाई, जैसे जिन्होंने ये जो दशहरा है वो ऑर्गेनाइज किया होता है वो लोग होते हैं। और लास्ट में मतलब यहाँ पे जो सीन है वो इस तरीके का दिखाया गया, ऑडियंस देखो कितनी खचाखच भरी हुई है, लेकिन तुम्हारा भाई इतनी लेट आने के बाद भी सबसे आगे खड़ा था, और ये छोटे छोटे वानर सेना आपस में मजे लेते हुए। और हमारे जो मुख्य अतिथि श्री आर एस पाठ जी, डीटीपी जीएमडीए, हनुमान जी को संजीवन बूटी लेने के लिए कहते हैं। और हनुमान जी को संजीवन बूटी लेने के लिए भेजते हैं। हनुमान जी संजीवन बूटी लेने के लिए चल पड़े। भेजी गई है लक्ष्मण जी दोबारा से अपने स्वरूप में आ गए। अच्छे पूरा दिल से प्रयास कर रहे हैं, कृपया खूब सारी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय भाई जोशीले नहीं है यार, मजा नहीं आ रहा। प्रोफेशनल
तैयार किया गया भाई, तुम कैसे मार दिया पता भी नहीं लगा। पूरा रावण साम्राज्य लिटा दिया यार। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं रावण के पास, और अब हम ये रहा रावण का सिर, इसको हम सीधा कर सकते हैं क्या? हो रावण ये बड़ा भाई तो हो देख रहे हो, बम बम सब बज रहे होंगे अभी तो, इसमें सब रावण की लकड़ी के पीछे पड़े हुए हैं भाई। देखना बम अभी भी बज रहे हैं और सब रावण की लकड़ी के पीछे पड़े हैं भाई। तुम्हारा भाई लेकर चला जाएगा इस बार रावण की लकड़ी। अरे भाई साहब देखो भाई, फाइनली ले ली रावण की लकड़ी, देख रहे हो हाथ में लग और गई मेरे यार, बाद में दिखाऊंगा घर जाके, लग गई हाथ में।